अनबॉक्सिंग वन प्लस 90। तो फटाफट से ओपन करते इस बॉक्स को और देखते इस बॉक्स के अंदर हमको क्या कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो बॉक्स ओपन करते ही पहले आ जाता है हमारा स्मार्टफोन, जिसको एक प्लास्टिक के रैपर में लपेटा हुआ है। तो इसको निकाल के देखते किस टाइप का स्मार्टफोन है। तो फटाफट से निकाल के देखते तो कुछ इस टाइप का स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है। रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप है और दो सेंसर बड़े बड़े है, और जितने सेंसर बड़े उतनी क्वालिटी बेटर आ जाती है। और ब्लैक कलर का वेरियंट है, इसमें और भी वेरियंट्स आ जाते हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से बाय भी कर सकते हो। और फ्लैश लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमको प्लास्टिक बैग ही मिलते हैं, यहाँ पे कोई ग्लास देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि चल भी जाता है यार, ग्लास में भी बहुत सारे फिंगर्स के निशान रह जाते हैं, पर मैट में फिंगर के निशान नहीं रहते। और लाइट वेट है, आप आराम से यूज़ कर पाओगे। तो देखते हैं बॉक्स में और क्या कंटेंट देखने के लिए मिल जाता है। तो बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर हमको देखने के लिए मिल जाते हैं केस, यानी कि कवर, क्वालिटी एकदम बेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, ब्लैक कलर का ये साथ आते हैं। तो इसको तो पहले रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में और क्या कंटेंट है। तो बॉक्स में यहाँ पे पहले इस सेक्शन में हमको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं, वन प्लस के स्टिकर मिल जाते हैं, और इसको किस तरह से यूज़ करना है ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। और रेड है केबल क्लब का कार्ड भी मिल जाता है, जिसको आप बड़े आराम से यूज़ भी कर पाओगे। और यहाँ पे इस फ़ोन के पूरे स्पेसिफिकेशन भी लिखे गए हैं, और यहाँ पे वन प्लस के स्टिकर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन सभी को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में और क्या कंटेंट है। तो बॉक्स में हमको पहले मिल जाता है फास्ट चार्जर और यूएसबी टाइप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ थे और दिखने में अच्छे भी लगते हैं। और ये रहा हमारा स्मार्टफोन, जैसे कि आप देख सकते हो रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप है। और ऊपर की तरफ पहले बात नहीं करते, साइड में हमको प्लास्टिक ही मिलता है, और ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है, 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, साइड में वॉल्यूम हाई लो का बटन भी मिल जाता है। और देख सकते हो यार, कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलती इस स्मार्टफोन में, आप बिना चेक के बाय कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत आने वाली बात है। और नीचे टाइप सी का पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है और सिम कार्ड का स्लॉट भी है। इसको निकाल के देखते किस टाइप का सिम कार्ड का स्लॉट है। तो फटाफट से निकाल के देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, पहले तो निकालते हैं, बाद में बताऊंगा क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है ड्यूअल सिम कार्ड स्लॉट, यहाँ पे आप दो सिम कार्ड लगा के यूज कर पाओगे, या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड लगा के यूज कर पाओगे। और स्मार्टफोन हो गया हमारा बूट, यानी कि फोन स्टार्ट हो चुका है। ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है, और एक 120Hz वाला हाई रिफ्रेश वाला डिस्प्ले पैनल भी है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो थोड़े दिन तक आप वेट कर सकते हो, अमेजोन के ऊपर बड़े आराम से आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, और मैंने बहुत सारे गिव अवेज भी रखे हैं पिछले वीडियोज में, वहाँ पे आप जाके पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।